चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती जीके जेएस के 20 प्रश्नों के श्रृंखला में ऑब्जेक्टिव आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। और आप लोग ध्यान दें, पिछले कुछ दिनों से लगभग एक सप्ताह से आपके शहर का इंटरनेट सुविधा बाधित था, जिसके कारण आप सभी कोई ऑनलाइन क्लास का लाभ नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन अब पिछले दो दिन शनिवार से लगभग आपका जो ऑनलाइन सेवा है वो विधिवत कर दिया गया है, इंटरनेट सेवा विधिवत कर दिया गया है। तो आप सभी बच्चे से मेरा यही आग्रह रहेगा, आप लोगों से यही कहना है कि आप सभी जो भी इंटरनेट के माध्यम से आपको टेलीग्राम चैनल पर और यूट्यूब चैनल पर जो क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, आप प्लीज़ उसे याद करें। आप ध्यान दीजिए, सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अभी पिछले दिनों देखेंगे, कल आपका SSC GD का आया, जिसमें कुछ बच्चों का रिजल्ट हुआ भी है, ठीक है ना, और कुछ बच्चों का रिजल्ट नहीं भी हुआ है। तो जिनका नहीं हुआ है उनको ध्यान रखना है कि हम कहां पर कमी किए थे, उस कमी को सुधारिए और आगे मेहनत कीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि अगला सिलेक्शन आपका निश्चित होगा। तो असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कीजिए। कहाँ क्या कमी रह गया देखिए और सुधार कीजिए। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर हम लोग। चलिए, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सबसे पहले पूछेगा किस धातु का प्रयोग किया है, तांबा का, है ना, किस धातु का, तांबा का। पूछे देगा आपसे कि लोहा का खोज किस काल में हुआ था, तो वैदिक काल में, उत्तर ऋग वैदिक काल में हुआ था खोज, किसका, लोहा का, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतरिजी खेरा से, लोहा बहुत बाद में, ठीक है ना, लेकिन सबसे पहले पूछेगा किस धातु का प्रयोग हुआ, तांबा का। लोहा का खोज वैदिक सभ्यता में बताइएगा, वैदिक काल में बताइएगा, उत्तर प्रदेश के अंतरिजी खेरा से। बुद्ध के दूसरे गुरु कौन बने थे, तो रुद्रक रामपुत्र बने थे, रुद्रक रामपुत्र। क्या दर्शन दिए थे, तो योग दर्शन का ज्ञान दिए थे, योग दर्शन का शिक्षा दिए थे। प्रथम गुरु बने थे अलार कलाम, जब सिद्धार्थ, जो कि बचपन का नाम था, ज्ञान की तलाश में निकले हैं, तो प्रथम गुरु कौन बने, अलार कलाम, जिन्होंने सांख्य दर्शन का शिक्षा दिया। और दूसरे गुरु कौन बने, रुद्रक रामपुत्र, योग दर्शन का शिक्षा दिया। अशोक के शिलालेख में कितने लिपि का प्रयोग हुआ है, तो चार लिपि का। अशोक के शिलालेख में कितने लिपि का प्रयोग हुआ, चार लिपि का, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक, चार लिपि का प्रयोग हुआ है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन किसे कहिएगा, नागार्जुन। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के किस अभिलेख से मिलता है, तो एरन अभिलेख से। तो एरन अभिलेख से किसका जानकारी मिलेगा, भानुगुप्त का मिलेगा। और इसमें क्या दिया है, तो किसी के भी सती होने का प्रमाण मिला है, जो कि 510 ईस्वी के आसपास का जानकारी है एरन अभिलेख में। खिलजी वंश का कौन सा सुल्तान कभी कभी दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था, तो मुबारक खां खिलजी, मुबारक खां खिलजी। या डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है कि किस सुल्तान का व्यवहार स्त्रियों चित था, तो मुबारक खां खिलजी का। किस मुगल शासक को न्याय की जंजीर के लिए याद करते हैं, तो जहांगीर को। न्याय की जंजीर के लिए किसको याद करते हैं, जहांगीर को। और न्याय का जंजीर सोने का बना हुआ था, आगरा नदी के किनारे, सॉरी जमुना नदी के किनारे आगरा में, जमुना नदी के किनारे आगरा में जो निर्माण कौन करवाया था, जहांगीर। न्याय का जंजीर पूछेगा किसका बना हुआ है, तो सोना का, ठीक है ना, और इसको बनवाया कौन था, तो जहांगीर ने। कौन नदी के किनारे, तो जमुना नदी के किनारे। किस राज्य में, क्या कहाँ है, तो आगरा में, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। फिर ध्यान रखिएगा, जहांगीर को चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी कहा गया है, या कहेगा चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा गया है, तो जहांगीर के शासनकाल को कहा गया है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ है, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन याद रखेंगे 11 अप्रैल 1936 लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए किस जहाज़ से लंदन गए थे, तो एस एस राजपूताना। अब ध्यान दीजिएगा, तीन गोलमेज सम्मेलन हुआ, कितना गोलमेज सम्मेलन, तीन लिखेंगे, पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। पहला 1930, दूसरा 1931
तीसरा 1932। पहला और तीसरा में गांधी जी या कांग्रेस भाग नहीं लिया। कहेगा कांग्रेस किस गोल में सम्मेलन में भाग लिया, तो दूसरा गोल में सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि बन के कौन गए थे, महात्मा गांधी गए थे। कौन गए थे, महात्मा गांधी। फिर ध्यान दीजिएगा आप लोग को, गांधी और लॉर्ड इरविन का समझौता 1931 का याद होगा, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 1931 में समझौता हुआ और इसी समझौता के तहत गांधी जी दूसरे गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए थे। और ध्यान दीजिएगा गांधी इरविन समझौता के तहत ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी स्थगित किए थे। कहेगा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस समझौता के तहत स्थगित कर दिया था, तो गांधी और इरविन समझौता के अंतर्गत 1931 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1931 में। कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर कौन जाते हैं, महात्मा गांधी। किस जहाज से, तो राजपूताना जहाज से। फिर ध्यान देंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय लंदन का प्रधानमंत्री पूछेगा कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज प्रताप सुप्रू। इतना फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। गांधी जी ने कब पावनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, तो 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कौन चालू किए, गांधी जी, 17 अक्टूबर 1940 को। कहां से, पावनार आश्रम से। राज्यसभा का सदस्य बनने का न्यूनतम आयु सीमा पूछेगा कितना है, तो 30 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता है तो न्यूनतम आयु सीमा पूछेगा तो कितना बताइएगा, 30 वर्ष आपको बोलना है। संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ, 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम बैठक लिखेंगे 9 दिसंबर 1946। ध्यान दीजिएगा 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का प्रथम बैठक पूछेगा कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ। कहाँ, तो दिल्ली में। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में। और अंतिम बैठक पूछेगा तो 24 जनवरी 1950। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। कुल बैठक कितना 12। किन दो केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय है, तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर। किन दो केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय है, केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं लेकिन सिर्फ दो ही में है, कहाँ है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को। दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो इम्फाल मणिपुर। जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान पूछेगा कहाँ है, तो इम्फाल मणिपुर। 15 प्रश्न, चलिए 5 प्रश्न हम लोग और देख लेते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आज के 16 नंबर क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दशक को सबके लिए सतत ऊर्जा दशक घोषित किया, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस दशक को सबके लिए सतत ऊर्जा दशक घोषित किया है, तो 2014 से 23 तक को, ठीक। पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण किसे माना जाता है, पारिस्थितिक असंतुलन का मूल कारण किसे माना जाता है, वनों उन्मूलन, मतलब वनों की कटाई है जो पारिस्थितिक असंतुलन का एक सबसे बड़ा कारण है। किस वर्ष से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो सबसे पहले पॉइंट हो गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। किस वर्ष से, तो 1973 से। 1973 से ही याद रखेगा प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में। बाघ संरक्षण कब शुरू किया गया, 1973 ईस्वी से। बाघों की संख्या की जो कमी हुआ था उसको बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर आया था योजना, 1973 से। वर्तमान में देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। अभी के समय के अनुसार सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, तो भोपाल में। कहाँ स्थित है, भोपाल में। तो बच्चों आज के 20 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का श्रृंखला यहीं पर समाप्त करते हैं आज के क्लास में। तो मिलते हैं अगले क्लास में फिर हम लोग शानदार 20 प्रश्नों के रिविजन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।